हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हालांकि मैंने पिछले सेशन में तो डिस्कस किया था, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम जो उस समय डिस्कस किया था वो मैंने ऑरली सॉल्व किया था। अब मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 20% है, ये दे रखा है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो लास्ट सेशन में मैंने ये बात करा था कि भाई कि यदि चेंजेस काफी काफी कम हो रहे हो तब तो मैं कैलकुलस अप्लाई कर दूंगा, डी वाई बाई वाई इंटू 100 विल बी इक्वल टू एन इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू 100। इस बात को समझने के लिए पिछला जो सेशन है मोमेंटम का वो जरूर से देखें। लेकिन यहाँ पे चूंकि चेंजेस काफी बड़े हो रहे हैं तो हम लोग कैलकुलस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए लिखेंगे के एफ माइनस के आई बाई के आई इंटू 100, जिसको आप लिख सकते हैं के एफ बाई के आई माइनस 1 इंटू 100। के एफ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। जैसा कि आप करते आ रहे हैं पीछे परसेंटेज चेंज में ऐसे निकालते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, राइट। अब बात क्या है कि इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं पी है। यदि इनिशियल मोमेंटम पी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया के है। फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 20%, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गई है तो फाइनल मोमेंटम विल बी 1.2p, राइट। अब पॉइंट ये कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू पी स्क्वायर है। यदि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू पी स्क्वायर होगा, अब मोमेंटम फाइनल 1.2p हो गया है, तो व्हाट विल द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इट विल बी 1.44k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। तो 1.2 इंटू पी का होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल कम आउट 1.44k, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1.44k। यहाँ पे 1.44 के रखेंगे डिवाइड बाय के माइनस 1, तो ये हो गया आपका क्या 1.44 माइनस 1 इंटू 100, इट विल गिव 44%, राइट। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि पिछले सेशन में जो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि भाई कि इस प्रॉब्लम को दोबारा से एक बार बता दीजिए, तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम बता दिया। अब आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि आपके जेई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब कई दफे प्रॉब्लम आपका आता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए। तो जब भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए आता है तो जनरली आप लोग जो भूल जाते हैं ना वो डायरेक्शन को भूल जाते हैं, और तब जब डायरेक्शन आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालते वक्त भूल जाएंगे तो डेफिनेटली आप गलत आंसर लेके आएंगे। तो जब भी आपको चेंज इन वैक्टर क्वांटिटी कहा जाए तो हम लोग लिखेंगे बेसिकली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और जब ये आप कंसिडर करेंगे तो उसमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बहुत ही एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता रहता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, स्पीड वी से चले जा रहा है, राइट, और यहां से यहां तक गया है पार्टिकल, इसके दौरान ये सेंटर पे एंगल थीटा बनाया है, या फिर हम लोग कहें कि फाइनल वेलोसिटी इसकी जो यहां वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बना रही है, राइट। तो हम लोग यहां पे निकालेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोला जाए, इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट आप ध्यान में रखना, जो घर पे खुद वर्कआउट कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकाल करके 2 mb sin θ/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जैसे थीटा यहाँ पे मान लो 30 डिग्री हो जाता है तो 2 mb sin 15 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो गया तो 2 mb sin आपका 45 डिग्री, दैट मीन्स √2 mv। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताइए यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आएगा 2 v sin θ/2। बट एक और ट्रिकी पॉइंट देखिए, अब ये मैंने लिखा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो दोनों में अंतर है। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, यह है मैग्नीट्यूड में चेंज, मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऑब्वियस बात है लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यहां पे भी mb है, यहां पे भी mb है, तो दैट विल कम आउट 0। तो वर्ड को ध्यान में रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछा गया है या फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा गया है, तो बहुत अंतर कर जाता है ये बात। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ही दिया जाता है dp/dt, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो dp/dt 0 हो जाएगा। इस तरह से इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कई जगह पे प्रॉब्लम में अप्लाइड होगा, जहां पे भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए वहां पे हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। जैसे किस किस तरह के प्रॉब्लम में, आप देखिए यहां पे कैनन एंड कैनन बॉल का प्रॉब्लम, तोप और तोप का गोला, राइट।
तोप से तोप के गोले के प्रोजेक्ट किया गया, तो तोप पर तोप के गोले का टोटल चेंज मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। राइफल बुलेट का प्रॉब्लम, कोलिजन के प्रॉब्लम में, एक्सप्लोजन के प्रॉब्लम में, राइट, दो ब्लॉक एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है वहां पे, इस तरह का जब भी सिस्टम हो जाए और नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो रहे तो हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे जिस डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैंने आपको बता दिया किस किस तरह के प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करेंगे, और अभी मैं कुछ आपको बता भी दूंगा कुछ प्रॉब्लम ऐसे जहां पे जिसके रिजल्ट को आपको ध्यान में भी रखना है। अब देखिए यहाँ पे डीपी इक्वल टू एफ डी टी लिख सकते हैं, तो डीपी इक्वल टू एफ डी टी, दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स जिसको हम लोग इन पर्टिकुलर लीनियर इम्पल्स कहते हैं, और दिस इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस थ्योरम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो बहुत दफे यूज होता रहता है, ध्यान रखना है इस बात को। और फोर्स वर्सेस टाइम का यदि ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में जो एरिया आएगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बेसिक बात है, क्योंकि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो एफ डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा, राइट, और इंटीग्रेशन का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका एरिया, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा वो डायरेक्ट विल रिप्रेजेंट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द टाइम टी वन टू टी टू, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने हैं जो कि डिस्कस किए हैं मोमेंटम के ऊपर, इम्पल्स के ऊपर एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट।